अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आप सब की दुआओं के साथ मैं हूँ ठीक ठाक बिल्कुल। अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैंने जो नींद है ना वो रज के लिए नींद मैं सोई हूँ, नहीं तो मैं रातों को उठ उठ के बेटी को चेक करती थी और फिर मैं देखती थी कि कितना बुखार है कितना नहीं। तो आज का व्लॉग बहुत है मज़ेदार, आप लोगों ने मिस नहीं करना। आप पतीला देख रहे हैं क्या होने वाला है, शुरू से मैंने वीडियो बनाई है। ये मैंने जो इंट्रो दे रही हूँ जो स्टार्टर है ना वो मैंने डाला है बीच में, मैंने कहा मैं स्टार्ट की वीडियो बनाई नहीं है तो उससे देखे बड़ा मज़ा आने वाला है। और आज की वीडियो लाइव में लगी, मैं करने लगी थी छुट्टी, फिर मैं कहा मैं छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी में कितने तक कई लोग मेरा इंतजार करते होते हैं डान को वो डायलॉग नहीं है ना डान को। आज था जी दिन वेला और मैंने आज नींद जो भरपूर ली ना तो सो मैंने सोचा आज मैं हूँ वेली वेली और दिल में मैं बड़ी थी हैप्पी हैप्पी, लड्डू फूट रहे थे, आज मुझे कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना। बस ही मैं और भाभी अपनी खुश गप्पियों में बिजी थे कि अचानक ही फ़ोन की घंटी बजी, दिल धक धक करने लगा, परेशान हो गई है फ़ोन के तो आ गया मनु थे, अचानक कभी फ़ोन नहीं आया किसी का। मैंने कहा चलो रिसीव करने वाला होगा तो रिसीव कर लेंगे, नहीं तो ना सी मेरे था बड्डे भरा का फ़ोन, फ़ोन आया फ़ोन में कहने लगा क्या कर रहे हो। बस जी मुँह से एकदम निकला वेले बैठे हैं कुछ भी नहीं, शामी आज गुजारा हो जाएगा, भाई ने कहा ना भाई ना कुछ ना करो तुसी बस दौड़े लगा दो स्पीड लगा दो, मुझे दो घंटे के अंदर 8 बंदों का खाना चाहिए और खाना भी A1 होना चाहिए और वो बनेगी बिरयानी। चाय अगर आप लोगों के लिए इजी है तो तय वाली बना लो, अगर आप लोगों के लिए इजी है तो पाकिस्तानी बिरयानी बना लो। ओहो हो कुछ ना पूछे, मैं और मेरी भाभी ने कमर कस ली और ना करने जोगे हम है नहीं थे क्योंकि हफ्ता आने वाला, फिर उससे तरले शल्ले हाथ गोडे छोडे उसके पकड़ के हमने हाशा जोड़ के उसको कहना कि बाढ़ लेके जो इसके लिए हमें चाहिए थी उसकी खिदमत करना ज़रूरी। सो हम लोगों ने क्या किया, प्याज कोई काट रहा है कोई टमाटर काट रहा है कोई हरी मिर्चें काट रहा है, बस जी स्टार्टर स्टार्ट हो गए, बस शुरू हो गए जी होना किसी पर जी। लो जी इधर हमने 2 किलो चावल है मेरे पास और 2 किलो है चिकन, तो इसके अंदर मैं डब शामिल करने लगी हूँ, 6 अदर टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक प्याज और जैसे तड़का लगाते हैं, मेरी बहन भाई बहनें मुझसे भी ज़्यादा सियानी है, ये हम लोगों ने किया। और मैंने मुर्गी पकड़ी और वगाती सूट दी मैंने उसको, बिस्मिल्लाह पढ़ती जाऊँ या आवाजी तो पढ़ती जाऊँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। वैसे भी हम किसी के लिए खाना पकाने लगे ना, मैं कहती हूँ कि मैं मेरी भागम भागी में क्या होता है, मुझे कुछ ना पूछो कि मुझे कुछ समझ नहीं रहता मेरे आजू कौन सा है बाजू कौन सा, मुझे होश नहीं रहती। बस जी अब मुझे था खाना बनाना और इतना सोना खाना बनाना कि जब मेरे भाई के जो जिसको भी उसने खिलाना है वो खाएँ और वाह वाह करें और घर जाके अपनी बीवियों को बताएं कि देखे जी राने की बाजी ने कितना सोना खाना बनाया, राने की बाजी सबकी बाजी ठीक है, कितना सोना हमारी बाजी ने खाना बनाया। और बस जी मेरी वाह वाह हो जाए, फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शुरू हो गए, आ जाओ तुम भी शुरू हो जाओ, साथ साथ रेसिपी दूँगी साथ साथ मज़े की बात ही करूँगी, मिलवाऊँगी अपनी फैमिली के साथ। हाय हाय हूँ तो मुझे साह चढ़ गए, ठहर जाओ तुम भी साह ले लो जल्दी जल्दी, आपने कर देना प्रेस कर दे बस, किसको लाइक को कमेंट कर दे, सब्सक्राइब करो शेयर करो और इतनी वायरल कर दो वीडियो के जल्दी जरा मेरी चैनल भरपूर हो जाए, अल्लाह का वास्ता तुहानू अल्लाह का वास्ता ठीक हो गया, आगे से आगे आप हमारी कमेंट्री सुनेंगे। ओके अच्छा जी इधर साथ साथ मैं इसको भून रही हूँ और अच्छी तरह मैंने भूनना ठीक है, चेंज हो गया है और मैंने कहा चलो इसके अंदर आलू भी डालते हैं, जल्दी जल्दी करो आलू आलू छीनो जल्दी 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 आलू क्योंकि टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम क्या हो गया काका, खाना भेज 7 बज गए हैं और 8 बजे तक हमें खाना हर सूरत हाल में भेज रहे हैं और आपको बड़ी बड़ी आवाज़ें आएंगी आप लोगों ने इग्नोर करनी है, खाना भेजना है, अभी रायता बनना है ठीक है, सलाद बनना है फिर जाना खाना और हमें बांधनी है स्पीडें। अब जाएंगे जी आलू, आलू की भी इसके साथ ही भुन बनाई होगी वरना मैं तो हाफ इसको बॉयल करके ना और ज़रदा कलर डाल के तो फिर कटी हो लिया, हाजा टाइम है कम तो स्पीडें हैं तेज़, अभी तो एक डिश बनानी है, जब अगर दो दो डिश तीन दिन बनानी हो तो फिर तो मेरा कोई हाल बेहाल होती हूँ मैं, तो लिहाजा तुसी दुआ मांगो तो मैं फटाफट काम कराऊँ। हनी परी को लेके जाना, परी सारा सैलड का सामान लेके आना है। अच्छा जी मैंने बर्तन कर लिया है चेंज क्योंकि वो था छोटा, ये देखें इधर माशाल्लाह वो तो ज़ाहिर है अब बनेगी सही तरह बिरयानी क्योंकि चावल है हमारे माशाल्लाह जोक वालों के स्टीम चावल, ये बहुत ज़्यादा फूलते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, तो आप खिले खिले चावल। हाँ बिस्मिल्लाह, आप मुझे सूटने वाली थी, हाँ अभी सूट रहे हैं, ये जाने लगा जी पानी। अब चावल थे हमारे 5 गिलास ठीक है, यानी कि हमारे 2.5 गिलास 2.25 गिलास होना तो भी किलो चावल बनते हैं, और चिकन था हमारा 2 kg, इसमें गए कोई 0.5 किलो या इससे ज़्यादा आलू, तो फिर आप क्वांटिटी देखें 5 kg के करीब हो गया, तो आप ये खुले डुले पकेंगे तो फिर ही सोने लगेंगे।
अच्छा जी, पानी हो रहा है बॉयल और मैं उसको तक रही हूँ, वो मुझे तक रहा है। हिम्मत ख़त्म हो गई है उठने की, लेकिन उठेगा, हम उठेगी, भाभी उठेगी। चलो जाओ, शाबाश, पानी दे के उबल गया और इसके अंदर चावल डाल के जाओ मेरा बच्चा, जाओ। इसको भेज दो मैं? हाँ, इसको भेज दो, कभी ये भी काम करता ना, कोई काम कर लिया करो, वेला बैठा रहना कोई कोई से काम कर दे। या अल्लाह, हमें अगली बहू भी बहुत अच्छी देना, सिवी तुम मैं बैठा करेंगे, उससे काम करवाया करेंगे। चलो जी, भाभी देखेगी इसका पानी जोन सा वो गर्म हुआ कि नहीं है, और मैं सबको बताऊंगी मेरी भाभी बहुत अच्छी है, वो काम करती है, बस तू एनजी काम कर दी रिया कर। नहीं, क्या हुआ? पानी आपका उबल रहा है, इसका ढक्कन पीछे करें ना। नहीं, आप खुद डालें, मेरे पाँव में पेन हो रही है, ऐसे उठाएं। नहीं, आपकी शादी को 17 साल हो गए, अब कब काम सीखेंगी? चले शाबाश। यकीन माने, मेरी भाभी इतनी अच्छी कुकिंग करती है ना, सबसे ज़्यादा इसके चावल। ये चावल मैंने इसका, मुझे नहीं अंदाज़ा कि इसकी कितनी स्टीम होनी चाहिए और कितनी देर इसको ना स्टीम में रखना है, और ये सारा अंदाज़ा ना भाभी को था। मैं जितने मर्जी भी चावल बनाऊँ ना, मेरा पप्पा बन जाता है। मैंने ना, वो हमारा खास खानदानी नाई है ना, मैंने ये क्रेडिट कोई और अपने आप को ना समझे। हाँ, नहीं सही बात है, नहीं काला भी बड़े सोने चोर कहते उतो सू भी सहा गए। तो ये जी चावल उबल रहे हैं, आज का व्लॉग तो आपको बस ऐसा ही मिलना है, और नमक मिर्च तो चख लेनी थी पहले। भाभी ने चावल डाल दिए हैं, ठीक है, और नमक मिर्च सही था? हाँ जी, बिल्कुल सही है खाना। आए फूक मार के, चलो चल जा, आई अम्मी। नहीं कम है। अच्छा जी, वो देखें, चावलों में मैंने नमक और शामिल कर लिया है, और उसके ऊपर थोड़ा सा ना कच्चा जीरा हमने ऐड किया है। आज शक्ल है बड़ी अजीब, तुसी डरी हो ना, ठीक है। और जब काम करना हो ना, जब काम करना हो तो फिर आपको याद ही नहीं रहता कि आपने अपनी फेस मुबारक भी वाश किया हुआ कि नहीं वाश किया हुआ। इधर बन रहे हैं जी चावल, और चावल को हम देते हैं पकने, तो तब तक हम खाते हैं। पीछे देखो क्या खा रहे, क्या खा रहे हो, की खा रहे हो, की खा रहे, खराब निकल आया। चलो ये असी तो खरबूजे लिए थे, वो नहीं कभी मिठे निकले थे रोड की। मैं जिस बार रोड हाथ लाना, इसके अंदर क्यों ये लगता है जाला फंगस? बस वो देखो कितना वेला बैठा हुआ है, क्या फायदा, हमारे घर का तो बच्चा बच्चा काम करता है, वो नहाया हुआ है। पर तू क्यों नाम ना? अच्छा, हमारे घर में कोई नहा ले, फिर हम उसको सुकने पाते हैं, फिर उसको काफियां दे दिया, चाय दे दिया, उसको नहला के बैठाया हुआ है। हाँ, अंडा उबाल के देती हूँ उसको, बिल्कुल ऐसे ही है, उर्दू की किताब पर ही पढ़ाओ, ही पाठशाला स्टडी से याद है, पढ़ाई से। हमारे घर में कोई आए ना, एक तो उसको आराम से हम बैठने नहीं देते, दूसरे हम उसको बुक पकड़ा देते हैं। जब मेरी भाभी की शादी हुई ना, तुम मैट्रिक के भला पेपर दिए, मैट्रिक के दिए थे, फर्स्ट ईयर के नहीं थे ना दिए हुए? नहीं, और मेरी भाभी ने इधर आके एमए किया है। दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। अच्छा, जनवरी में मेरी हैप्पी बर्थडे थी। अच्छा, तो मुझे गिफ्ट मिला था फॉर्म। कौन सा? फिल करे और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इकट्ठे पेपर दे। ससुराल में ऐसा भी वो कहती है, ससुराल में ऐसा भी होता है। और फिर भाभी ने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको पढ़ाया, और माशाल्लाह उसने एमए किया हुआ है मेरी भाभी ने, और अब उसको मैं ला की तरफ लेके आ रही हूँ, और ला में उसने पेपर दिए हैं, तो एक दफ़ा वो फेल हो गई है। अब जो जो एंट्री टेस्ट है ना, उसने बरसता हमारा हुआ, कोई बात नहीं, 5 चांसेस हैं, 4 अभी पढ़े हुए हैं, दे लेंगे ऐसे पेपर, ला च की हो गया। आपकी दस्त से दूर नहीं है, नहीं है, आप कानून भी पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जबरदस्त पढ़ेंगे, हम नहीं कहते कि आप प्रैक्टिस करें, बस ये है कि डिग्री लें, वेली हैं आप, अब आपके माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, सिर्फ लाडली है, वो भी स्कूल जाने वाली है, तो नाउ यू आर फ्री है, ले आओ सब्जियाँ। वो पैसे घर भूल गया था। ओ है फिर फिर अब वापस गया, फिर पैसे किधर है उसके? मोबाइल के कवर में। ओए ले जी, आ गई हैं फुलकियाँ, और उसके साथ आया है पुदीना। पुदीना माशाल्लाह बड़ा फ्रेश फ्रेश है, हैं मुंडा काम करन लग पिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहि अलियुर अजीम। और साथ मूलियाँ, आजकल मूलियाँ बड़ी खूबसूरत सी आई हुई हैं, खीरा, मैंने कहा जाना है घर से बाहर खाना, तो ऐसे ही ना भेजें, जाहिर है सबके घरों में अच्छा बनता है, फिर लोग कहते हैं कि इनकी औरतों को ये भी अक्ल नहीं है। भाई वही कह रहा था कि बाज़ार से खाना लाने को मैं खिला दूँ उनको, घर में मेहमान आए तो अब दो दो तीन दिन दिन कुकिंग करें, तो अगर घर में से किसी मजदूर को खाना खिलाना हो तो उसको बाहर से
चवली वाला खाना खिलाओ, नहीं अच्छा सा बनाओ घर में। चावल चेक करें? हाँ करें करें करें, चावल चेक को ढोल बजाना, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशा अल्लाह, फूक मारो माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आप देख सकते हैं, सानू ही नज़र आ रहा, तो तुम कितों देख सकते हो ऐसे काटो बाहर कटना बाहर माशाल्लाह। मैंने आपको कहा था ना, भाभी जो चावल बनाती हैं ना, एक एक दाना अलग अलग, पता नहीं किस तरह, और मैं वो तो प्यार से मोहब्बत से जुड़ जाते हैं। चलो सीम इसको हिलाए, नीचे से बंद करो, नीचे उतार के हिला लेते हैं। चलो नीचे से उतार के हिला लेते हैं, ऐसे कर लो, खुद चुक लिया माशा अल्लाह। है अंदर कहते ने जवान वोटी लै के आओ, जवान नहीं लै के आओ, सही बात है। हाँ जी ये देखें जी चावल के हैं, हाँ इसको आप हिलाओ कि मैं हिलाऊं, लाओ मैं हिलाऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लें जी सैलड बन गया है, सैलड मैंने बना दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह। चिकंदर, मूली, टमाटर और क्या कहते हैं खीरा, और बीच मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है, भाई की थी कॉल आ गई कि पैकिंग कर दिए, तो सीमी पैकिंग कर दो। अच्छा जी इधर मैं रायता बनाने लगी हूँ, ठीक है। रायता बहुत मज़े की रेसिपी है, मैं आपको बताऊँ। ये हैं फुलकियाँ, फुलकियाँ आपने मेहमान आने वाले हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊँ। ये देखें, देख रहे हैं आप, चुप करके इसको उबलने के लिए रख दे, जैसे अंडा उबालते हैं। मैंने आलू डालने का दिल कर रहा था, ठीक है, आलू के इससे कटर किए, ये देखें ठीक हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गई, ठीक है। इसको अब इसके अंदर मिक्स करते हैं, नमक मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अच्छा जी ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी, साथ ही मैंने मिक्स किया है जो पुदीना है ना, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और ये देखें जी नमक ऐड करने के बाद, ये देखें खूबसूरत सा रायता तैयार, तो अब खाएंगे। ले जी खाना दे दिया है, बेज और सुकून सा मिल गया, यकीन माने। मैं कहती हूँ कुछ अच्छा सा बनाया हो ना, फिर अल्लाह ताला के जब बंदे खाते हैं ना, फिर वो दिल से दुआ देते हैं, सुकून सा मिलता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। पहले हम न्याज वगैरह बांटते थे, फिर हम लोगों ने ट्रेंड ही चेंज किया, अब आराम से देख लो या घर में खाना बनाओ, उठाओ और ले जाओ जाके कारखाने में, मजदूरों में, यतीम खानों में दे दे आप, सिविल अस्पताल में आंडाए, एक दिल को सुकून मिलता है। और इस मासूम बच्ची ने भी खाया है, इतने मज़े के चावल थे, बताओ भाई चावल मज़े के थे उसकी तरफ मैंने नहीं लेके जाना, चावल इतने यमी थे, वैसे बताओ चावल मज़े के थे कि नहीं? बड़े मज़े के, बहुत मज़े के चावल बने थे। वैसे भी जब आज मैं कोई एक महीने के बाद ना जिंदगी की तरफ, डेढ़ महीने के बाद लौटी हूँ, शुक्र मेरे अल्लाह की ज़ात का, आप सबकी दुआएं खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ की कमी ना दे। अल्लाह हाफिज़। मेरे व्लॉग को कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करें, कमेंट करें, बाय बाय बाय, टाटा बाय 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 बाय।